नमस्कार आदाब, मैं टीपू सुल्तान मिर्जापुर से। आप देख रहे हैं सिग्मा न्यूज। आइए शुरू करते हैं आज की खास खबरों से। मिर्जापुर नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सतीश मिश्रा ने आज नामांकन दाखिल किया। इस अवसर पर सतीश मिश्रा ने कहा कि मिर्जापुर की जनता बदलाव चाहती है। हमारी प्राथमिकता नगर के विकास के साथ साथ योजनाओं के साथ पारदर्शी लाना है। उन्होंने कहा कि मिर्जापुर नगर में पेयजल, सफाई एवं रोड की बड़ी समस्या है। जनता का आशीर्वाद मिला तो मिर्जापुर नगर की समस्याओं को दूर करेंगे। नगर पालिका अध्यक्ष जय 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 अखिलेश मिश्रा जिंदाबाद। मिश्रा जिंदाबाद। नगर पालिका अध्यक्ष जी बताए, समाजवादी पार्टी ने आपको भरोसा करके टिकट दिया है, क्या मुद्दा लेके जाएंगे जनता के बीच? निश्चित आज राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर, उनके आशीर्वाद से, माननीय श्री देवी प्रसाद चौधरी जी के आदेश से, निर्देश से, और यहाँ जनपद के तमाम शीर्ष नेतृत्व जो हमारे हैं सबके निर्देश आशीर्वाद से आज समाजवादी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के रूप में मैं नगर पालिका परिषद मिर्जापुर अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया हूँ। और मुद्दे अनगिनत हैं। मुद्दे आप देखेंगे कि मिर्जापुर नगर पालिका पूरे परिषद में जो भ्रष्टाचार है वो उनके रग रग में बस चुका है, तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को दूर करना है। विकास के नाम पर जो विनाश कार्य हुए हैं मिर्जापुर में उसको सुधारना है। पार्क हैं, गंगा माई की सफाई है, रोड की स्थिति है, जो सीवर की स्थिति है, जो गंदगी है, आपने देखा कि अभी 2-3 महीने पहले डेंगू का कितना प्रकोप था पूरे उत्तर प्रदेश में, ज्यादा डेंगू मिर्जापुर में ही क्यों था, गंदगी की वजह से था। तो हमको स्वस्थ मिर्जापुर, स्वच्छ मिर्जापुर के उद्देश्य के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। पूरी पार्टी, पूरे जनता जनार्दन सब सहयोग में खड़े हैं जी। निश्चित तौर पर महिलाओं और बेटियों के लिए तमाम योजनाएं जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, लेकिन धरातल पर उनका कोई क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। उन योजनाओं को धरातल पर क्रियान्वयन कराया जाएगा। आपने देखा कि माननीय अखिलेश यादव जी ने महिलाओं के लिए डायल 1090 चौराहा मिर्जा लखनऊ में बनाया था, और तमाम महिला सुरक्षा के लिए माननीय हमारे अखिलेश यादव जी ने काम किया था। उन्हीं को आदर्श मानते हुए महिलाओं के लिए निश्चित तौर पर मिर्जापुर में कुछ अच्छा किया जाएगा। नया जो भ्रष्टाचार किया है पूरे मिर्जापुर ने, पूरे उत्तर प्रदेश में, उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। 2024 का चुनाव सामने है। यहाँ के व्यापारी वर्ग आज खुल के कह रहे हैं कि हम लोगों ने भाजपा को यहाँ इस स्थिति तक पहुँचाया था, लेकिन इस स्थिति पहुँचने के बाद भाजपा भस्मासुर बन गई है, उन्हीं को उजाड़ने का काम कर रही है। सिर्फ दो, सुन लीजिए मेरी बात सुनिए, सिर्फ दो व्यापारियों का काम हो रहा है, अडानी और अंबानी का, बाकी छोटे जितने व्यापारी हैं उनके साथ कहीं ना कहीं शोषण हो रहा है, अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। और व्यापारी वर्ग तैयार है, यहाँ के नौजवान तैयार है, यहाँ का किसान तैयार है, हर वर्ग के लोग तैयार हैं भाजपा को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ आशा भरी निगाहों से यहाँ के लोग देख रहे हैं, और निश्चित तौर पर यहाँ से भाजपा की गिरावट तैयार शुरू हो जाएगी, और 2024 में आते आते भाजपा यहाँ से टुकड़ा साफ हो जाएगा।